री गुड मॉर्निंग फर्स्ट सितंबर है और वी आर गोइंग तो टू स्टार्ट आर न्यूज एनालिसिस तो क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है My audible कितने लोग डिस्कशन में ज्वाइन कर चुके हैं आई होप लिंक सबके पास चला गया है तो टाइम पे रहिए आप लोग को मालूम है आज हम लोग फाइव minutes लेट हैं बिकॉज सेटिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो आई होप आई एम ऑडिबल ना और सामने पीपीटी वगैरह भी आपको दिख रहा होगा राइट right? हाई साधिया वेरी गुड मॉर्निंग भगवान गुड मॉर्निंग महक पूर्णिमा वेरी नाइस nice. तो बच्चे आ रहे हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है फिर क्लास का टाइम हो जाएगा तो उस तो आज कल के भी कुछ न्यूज को मैंने रखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन आज हम लोग फर्स्ट न्यूज डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू यहाँ पे देखिए टॉपिक तो ये पेपर वन में आएगा बिकॉज ये सोसाइटी का मुद्दा है सोसाइटी में जो सिचुएशंस आती हैं निगेटिव uh, पॉजिटिव जो भी परेशानियां आ रही हैं उसी के बारे में है क्या है किसका रिपोर्ट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये आपके न्यूज़ जो है ये कहाँ पे काम में आ जाएगा इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग एज वेल एज इन प्रलिम्स एज वेल राइट प्रिलिम्स में भी आपको ये हेल्प करेगा प्री एग्ज़ाम में अगर कुछ डाटा आपसे पूछ लिया गया एग्ज़ाम में या फिर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये पूछ लिया गया तो आप इसको याद रखेंगे दूसरी चीज एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आप डाटा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब भी आप महिलाओं की के साथ जो अत्याचार हैं या महिलाएं किस तरीके से असुरक्षित हैं आज भी समाज में इन चीजों को हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं ठीक है ना आई होप सबको क्लियर है समझ में आ रहा है वीडियो विजिबल है ऑडियो क्लियर है प्लीज मुझे कमेंट में बताइए द मैं श्योर होंगी कि आप सभी लोग इजिली देख पा रहे हैं ठीक है तो देखिए न्यूज जान लेते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 में क्वेश्चन क्या आ सकता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है आंसर इज एनसीआरबी ठीक है एन का फुल फॉर्म क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो याद रखिएगा इसको बिकॉज आपके जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको अगर लगता है कि चलो मैं सिर्फ हिंदी याद रखूं तो आप सिर्फ हिंदी में तो ये याद रख सकते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये आपको मेंस में डायरेक्ट लिखने में काम आएगा लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहें एनसीआर इंग्लिश वाला नाम भी अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है ठीक है ना वेरी गुड मॉर्निंग पवन ठीक है इसको नोट्स वगैरह भी आप लोग ज़रूर बनाइए जो भी आपको लगता है जिनको एग्ज़ाम देना है ख़ास करके अच्छा मैं कल से आज तो नहीं हो पाया पॉसिबल कल से इस सेशन में करे जो करेक्ट इनकरेक्ट सर बता रहे हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए बच्चों को जो लोग ग्रुप डिस्कशन में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको 2023 में एग्जाम देना है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनको कैसे बनाना है करेक्ट इनकरेक्ट तो उनके लिए मैं करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी लेके आऊँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ओके okay. तो यहाँ पे जैसे एक मैं आपको शॉर्ट में एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे बनाना है मान लीजिए आपके पास ये न्यूज है ठीक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिलीज द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021 तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक करेक्ट स्टेटमेंट है अब आपको जैसे क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल सकते हैं जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिलीज या फिर आप किसी मिनिस्ट्री का नाम डाल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज जैसे है ना कि कोई भी तरीके किसी मंत्रालय का नाम डाल दीजिए तो जैसे ही आपने इस एन को यहाँ से रिप्लेस किया हटाया वैसे ही आपका स्टेटमेंट गलत हो गया इनकरेक्ट हो गया अभी आप ये क्वेश्चन दूसरों को पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि ये क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ठीक है आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में जैसा कि नाम में ही क्लियर है कि अपराध दर है ना आत्महत्या अगर कर रही हैं महिलाएं या क्या अपराध है महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं उन चीजों को इसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है ठीक है वट आर द रिपोर्ट फाइंडिंग्स फॉर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का एक आंकड़ा एक डाटा ये रिपोर्ट आपको दे रहा है तो एग्जैक्टली exactly इन आंकड़ों से भी कई बार स्टेटमेंट बन सकते हैं नहीं तो मेंस में तो आप एग्जैक्टली लिख ही सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए मैं बता रही हूँ लिख लीजिए अगर याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फाइव फिफ्टी से बढ़कर वर्ष 2021 में ये 64.5 परसेंट हो गई ध्यान दीजिएगा आपके सामने बहुत अवेयरनेस है बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है सरकार कई सारे कड़े कानूनों को लेकर के आ रही है लेकिन आप न्यूज में क्या देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के दर में वृद्धि हुई है ध्यान दीजिए 2020 से ये बढ़ गया है अप्रॉक्स टेन परसेंट देखिए छप्पन प्रतिशत से चौंसठ प्रतिशत तक ये पहुंच गया है तो इसीलिए ये आ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट uh, है जानना कि अच्छा रेशम का क्लियर दिख नहीं रहा है क्या बाकी लोगों को भी क्लैरिटी uh, में प्रॉब्लम आ रही है हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो इस वजह से शायद कुछ दिक्कत वीडियो में आ रही होगी तो अगर आपको ठीक से अभी ना दिखे तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वाले फॉर्म में ठीक है मैं आप अपलोड कर दूंगी वीडियो को तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्राइम रिकॉर्ड है वो बढ़ गया है दस परसेंट अप्रॉक्स तो ऐसा क्यों हुआ है उनके जो महिलाएं हैं उनके ससुराल में उनके प्रति क्रूरता बढ़ गई है इसके बाद उनका इतना ज्यादा वो टॉर्चर की जा रही है इतना परेशान हो रही हैं कि वो उनका जो आत्महत्या का दर है वो बढ़ गया है सुसाइड कर ले रही हैं तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है महिलाओं के साथ जब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार कम क्यों नहीं हो रहे हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप सोसाइटी अभी आप जस्ट पढ़े होंगे बहुत सारे लोग इंडियन सोसाइटी तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा ना रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी कितना इम्पोर्टेंट है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी महिलाओं का आ, रोल जो आपके समाज में है लेकिन दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की दर भी बढ़ते जा रहे हैं तो इसी के लिए इसको कम करने की जरूरत है इसके ऊपर आवाज़ उठाने की जरूरत है सॉरी <laughs> ठीक है अब अगला देखते हैं इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द हाइएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज रजिस्टर्ड इन आसाम वन सिक्सटी एट पॉइंट थ्री परसेंट फॉलोड बाई ओडिशा हरियाणा तेलंगाना राजस्थान अब देखिए एक तो है ओवरऑल इंडिया पूरे इंडिया में स्थिति बड़ी खराब है लेकिन अगर हम राज्य के प्रस्पेक्टिव से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है राज्य के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे अपराध का दर जो है वो सबसे ज़्यादा असम में है आखिर ऐसा क्यों क्योंकि तो असम में तो ऐसा नहीं है कि साक्षरता कम है पढ़े लिखे लोग भी हैं साक्षरता भी है फिर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में असम सबसे आगे है इसके बाद ओडिशा हरियाणा तेलंगाना राजस्थान इन सब का नंबर आता है राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में वास्तविक संख्या में मामूली कमी देखी गई है थोड़ी बहुत कमी तो आई है कहां पे राजस्थान में क्यों क्योंकि अवेयरनेस थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन अभी भी जो रेट है वो काफी ज्यादा है 2021 में जो केस रजिस्टर हुए हैं उसमें यूपी टॉप पर है 2021 में उत्तर प्रदेश यूपी टॉप पर है केस रजिस्टर्ड के मामले में इसके बाद राजस्थान का है फिर महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल मतलब अपराध हर जगह हो रहे हैं कहीं पर डाटा सामने आ रहा है कहीं पर नहीं आ पा रहा है ठीक है so, सो नागालैंड स्टूड आउट विदाउट द विद द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन नागालैंड में बहुत ही कम संख्या में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं क्या बच्चों समझ में आ रहा है जो मैं डाटा वगैरह बता रही हूँ क्लियरिटी आ रही है क्या आपको लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ड्यू थिंक सो बताइए कमेंट में मुझे लोग ये कमेंट दिख नहीं रहे हैं क्या नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्या मुझे बताइए एक बार ठीक है तो आई uh, होप हाँ मुबादिरा सबका मैसेज आ रहा है ठीक है मैसेज वगैरह डालते रहिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ सब लोग लाइव में जुड़े हुए हैं ठीक है अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है कैसे काम करती है तो ये इसके बारे में हम क्यों जान रहे हैं एन के बारे में बिकॉज इसी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है और ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है so, सो इसका हेड क्वार्टर डेली में है आजकल कुछ भरोसा नहीं है हेड क्वार्टर भी पूछ लेती है यूपीएससी इसीलिए इसको याद रखिएगा एन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है दिल्ली में है इसको बनाया कब गया था 1986 में इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था बनाया गया था 1986 में, ठीक है? याद रखना है क्यों? कैसे अगर देखिए क्या होता है डाटा रिपोर्ट क्या करती है जैसे इसने भी रिपोर्ट पब्लिश किया एनसीआरबी ने कि बहुत दिक्कत है क्राइम रेट बढ़ रहा है तो आपके मन में एक जागरूकता आई राइट आप अवेयर हुए आप आईएएस ऑफिसर बनोगे आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आप इन्हीं डाटा इन्हीं आंकड़ों का यूज करोगे ना अपने समाज को ठीक करने के लिए तो इसीलिए जब हम अवेयर करते हैं लोगों को तो वहां पे जब लोग जान जाते हैं कि ओके प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए फिर प्रयास किए जाते हैं अगर लोगों को यही पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं तो उसके तरफ लोगों की निगाह भी नहीं जाएगी ध्यान भी नहीं जाएगा इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट तरीके से बनाया गया 1986 में ताकि जो भी क्राइम रिकॉर्ड है क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जगह पर रखा जा सके उसको बनाया जा सके और उससे फिर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके ठीक है ना तो अपने दिमाग में इसको रखेंगे इसको क्यों कब कैसे बनाया गया भाई अगला न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आप लोग जानते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आपने कभी देखा है इन ट्राइब्स को देखा है अपने घरों के आसपास इनको बंजारा भी बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में बंजारा आपके आपने कभी देखा होगा शायद शहरों में या गाँव में इकट्ठा एक, एक समूह में ये लोग आते हैं मतलब इकट्ठा पच्चीस लोग तीस लोग पचास लोग है ना आते हैं फिर अपना कोई कैंप लगाते हैं टेंट वगैरह लगाते हैं कुछ समय तक वहाँ पे रहते हैं फिर वहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं तो इनको घुमंतु भी बोला जाता है बंजारा भी बोला जाता है और ये जनजातीय होती हैं तो एक्चुअली जिनको पता नहीं वो तो कुछ भी सोचते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये लोग कौन हैं क्या है लेकिन वो जनजाति होते हैं ठीक है ना बिल्कुल गांव में भी आते रहते हैं और शहरों में भी आते रहते हैं आप देखेंगे शहरों में आउटर एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के और अपना अपने दिन कुछ दिन तो वहाँ गुजारा करते हैं फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है तो इनके लिए क्या क्या ये आपके देश के नागरिक नहीं हैं क्या आपके देश के रिसोर्स पर इनका अधिकार नहीं है तो बिल्कुल अधिकार है जितने ज़्यादा आपके राइट्स हैं यहाँ के ज़मीन पर यहाँ की हवाओं पर यहाँ की मिट्टी पर उतना ही अधिकार उनका भी है जो जनजाति हैं घुमंतु जनजाति हैं उनका भी है चूँकि उनके पास उस तरीके से उनका वो कल्चर ही है ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं या वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं रह सकते रह सकते उनका कल्चर ही यही है इसीलिए वो इसी तरीके से जीवन यापन करते हैं बट उनके लिए भी अब सरकार कुछ कानूनों को लेकर आ रही है सरकार कुछ सहायता को लेकर के आ रही है कि उनको हेल्प किया जा सके तो एक स्कीम लाया गया है सीड याद रखिएगा सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब ठीक है अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क होता है अब करेंट अफेयर्स में हिंदी माध्यम वाले थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ेंगे अगर आप सीड पढ़ते हैं ठीक है ना तो इंग्लिश में अगर आप इसका नाम याद रखोगे तो आपको फट से याद आ जाएगा ओके ये जो आप इसका सीड है ना डी -E -E इसका फुल फॉर्म याद करने की कोशिश करोगे तो याद आ सकता है कि हाँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डी से डी नोटिफाइड नोमेडिक आपको याद आ सकता है हिंदी में अगर आप याद रखना चाहें तो बिल्कुल हिंदी में याद रखिए बट आपको अल्टीमेटली याद आना चाहिए कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करें ठीक है ना तो यहाँ पे इन समुदायों के लिए ये एक सीड स्कीम लाया गया है ताकि इससे लोगों को हेल्प किया जा सके अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है न्यूज़ ये है कि इसमें मात्र 402 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं सिर्फ मतलब सरकार के पास जो डाटा है जो आंकड़ा है नोबेटिक ट्राइब्स का वो दस करोड़ है अप्रॉक्स सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है चौदह सौ समुदाय के दस करोड़ जनसंख्या का डाटा है इनके पास गवर्नमेंट के पास लेकिन एप्लीकेशन कितने लोगों का आया चार सौ लोगों का आया तो क्या इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑनलाइन का कुछ आइडिया ही नहीं होगा उनको ये भी नहीं पता कि उनके लिए सरकार कोई स्कीम लेकर के आई है वो पढ़े लिखे भी हो सकता है नहीं होंगे उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा मोबाइल नहीं होगा आपको क्या लगता है कि जितने एडवांस आप हैं उतने एडवांस पूरे पूरे भारत के लोग हैं क्या बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है आपको एक बात जरूर बता देती हूँ जिनको भी ये लगता है कि वो गांव में रहते हैं या वो बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़े हैं तो क्या वो आई बन सकते हैं उनको मैं बताऊँ कि आई वही इंसान बनेगा जो याद रखना आज आई वही इंसान बनेगा जो एक बार में एक गाँव के एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल गरीब है लाचार है उनकी बातों को भी समझ सकता है और शहर का एक वो इंसान जो बिल्कुल स्मार्ट है पढ़ा लिखा है उसकी बात को भी समझ सकता है अगर आप में ये दोनों काबिलियत आ जाती है तो आप बिल्कुल आई बन सकते हैं राइट तो इसीलिए अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पे आपकी जो लड़ाई है वो आपको अपने आप को बिल्कुल लोअर लेवल तक लेके जाना है ताकि आप हर किसी की बात को पेशेंस के साथ सुन सकें उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और मान लीजिए आप शहर में रहते हैं आप कभी गांव में नहीं गए आपके गांव के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि यार गांव में बिना बिना पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं हो सकता है महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा हो चाहे शहर हो या गाँव हो हो सकता है कि लोग लड़कियों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते बाहर अगर स्कूल उनके गाँव से दस किलोमीटर की दूरी पर होता है तो उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आपको लगता है कि आप एक ज़िले की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं तो इसीलिए अपने आप को हमेशा ओपन एंड रखिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है जो भी आपको सामने दिखता है उसको एनालिसिस कीजिए सोचिए कि की क्या वो चीज़ एक्चुअल में क्या है राइट क्या आई बनने में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मदद करेगा तो इसीलिए इसको दिमाग में रखेंगे कोमल कोमल कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से कोमल हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग में इंटरनेट का इशू आ रहा है अभी इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो सुनिए अदरवाइज आप इसको रिकॉर्डेड uh, फॉर्म में भी देख सकते हैं ठीक है आई होप ये क्लियर है जो मैंने अभी आपको डाटा दिया भाई थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं सीड क्या है मैंने अभी बताया सीड एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा लाई गई है अब एक चीज और बताते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है ये क्या करती है अब ये इसके नाम में क्या है सशक्तिकरण करना ओके मंत्रालय कौन सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है समाज के जो वलनरेबल सेक्शन है जो पीड़ित या पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं जैसे कि एस सी कम्युनिटीज हैं ठीक है थीके? वृद्ध लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं याद रखिएगा, वृद्ध लोग हैं बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं महिलाएं हैं इनके लिए अगर स्कीम बनाई जाएगी ना उनके प्रोटेक्शन के लिए तो उसमें ज्यादातर केस में नाइन्टी परसेंट केस में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ही शामिल होगी ये एक तरीके का ट्रिक है उसको दिमाग में रखेंगे ओके फाइन तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है लोगों को फ्री कोचिंग देना प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लोगों को आगे बढ़ाना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना करना मतलब ये जितने भी ये घुमंतु लोग हैं बंजारा लोग हैं उनके सिक्योरिटी के लिए काम करना उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना पैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है ना ताकि वो घर वगैरह बनाएँ एक जगह पर इकट्ठा होकर रहें उनको इधर उधर जाना ना पड़े तो ये सब के लिए सीड स्कीम्स को लाया गया है कंपोनेंट्स याद रखिएगा हो सकता है प्रिंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कंपोनेंट्स को फ्री कोचिंग हेल्थ इंश्योरेंस लाइवलीहुड हाउसिंग चारों याद रखेंगे आवास के लिए ठीक है आजीविका के लिए और इसके अलावा बीमा स्वास्थ्य बीमा और पढ़ाई ठीक है ये कौन होते हैं मैंने वैसे तो आपको समझा दिया कि ये जनजातियां हैं वर्नरेबल और डिप्राइव्ड समूह है वंचित समुदाय में आते हैं ये ठीक है इनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं और इनको शुरू से ही नोटिफाइड किया जाता है आ, किस एक्ट के तहत क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत जो कानून है उनके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ठीक है तो इनके बारे में आप इसको लिख लेंगे खाना बदोश भी कहा जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको खाना भी कहा जाता है ओके okay? अब देखिए इसे बहुत सारे कमीशन्स बनाए गए हैं जो भी लोग हैं जो कि इसके लिए जनजातियों में आते हैं तो इनको प्रोटेक्शन के लिए एस सी एस कम्युनिटीज के लिए या नोमेटिक ट्राइब्स के लिए बहुत सारी बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं संगठन गए। बनाए गए इसके बाद बहुत सारी कमेटी बनाई गई कमीशन्स बनाए गए ताकि उनके लिए क्या अच्छे काम हैं उसको किया जा सके जैसे मैं आपको और समझाती हूँ एक आयोग का गठन किया जाता है ठीक है आयोग में कुछ लोगों को रखा जाता है मान लीजिए बीस लोग पच्चीस लोग इसकी अध्यक्षता कोई एक इंसान करता है ओके अब ये आयोग क्या करती है ये आयोग इन्फॉर्मेशन निकालती है किसके बारे में जिस पर उस आयोग को बनाया गया है मान लीजिए एससी सी कम्युनिटी के आगे बढ़ने के लिए उनको हेल्प करने के लिए एक आयोग बनाया गया अब आयोग के लोग जाएंगे सर्वे करेंगे पता लगाएंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे कि इनको कैसे प्रोटेक्शन किया जाए तो उस उसपे जो आयोग बने हैं शुरू से उसमें देखिए सबसे पहले आपराधिक जनजाति जांच समिति बनाई गई 1947 में यानी आजादी के समय से ही ये पूरा काम शुरू हो चुका है नाइनटीन में मतलब एकदम शुरुआत में आजाद होते ही अनंत शयनम अयंगर समिति याद रखिएगा अनंत शयम अयंगर कमिटी 1949 में बनाई गई थी में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस पर बनाई गई थी है ना क्या टॉपिक था तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रिपील किया गया था इस कमिटी के आधार पर इसके रिपोर्ट के आधार पर इस एक्ट को हटाया गया था खत्म किया गया था काका केलकर आयोग भी इसी से संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ठीक है ओबीसी के लिए पहला जो कमीशन बना था वो काका कालेकर कमेटी ही बनाई गई थी 1953 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए अभी आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा लेकिन जब आप एग्जाम देंगे या अभी से एक साल के बाद 2023 के समय में आपको एकदम क्लियर होगा कि ये मैंने क्या बताया था तो काका कालेकर कमीशन ओ को प्रोटेक्शन देने के लिए पहली कमेटी बनाई गई थी उसके बाद नाइनटीन में बीपी मंडल कमीशन बन करके आई थी ओके आई होप क्लियर है ये वाला इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ और भी वर्किंग कमिटीज वगैरह बनाई गई 2002 में नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनसीआर यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है 2002 में इसको बनाया गया था और उसके बाद अभी अंत में जो आपको याद रखना है वो एम एन वेंकट चलैया ठीक है जस्टिस एम एन वेंकट चलैया के अंदर में चेयरमैनशिप में इस एनसीआर डब्ल्यू सी को स्टाब्लिश किया गया तो ये क्या काम करती है कैसे जो भी जनजातीय है, हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए एक्सप्लोइटेशन से बचाया जाए उनके साथ कोई गलत काम ना हो शोषण ना हो उनका उसके लिए काम करती है ठीक है कालेकर आयोग के बारे में विस्तार से अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं अमित हो सकता है अगले सेशन में कभी करेंगे जब इस पे और डिटेल में एडिटोरियल वगैरह डिस्कस करेंगे फिर वहां पे अभी आप बस ये याद रखिए कि इसको शुरुआत में बनाया गया था 1959 में ठीक है और किसी भी कमीशन का जो उद्देश्य होता है अगर उसको ओ के लिए बनाया गया है तो इसका मतलब है ओ को क्या राइट्स दिए जाएँ अभी जो आपको ये आरक्षण मिला हुआ है तो वो आरक्षण कितने लेवल तक दिया जाना चाहिए कितना नहीं दिया जाना चाहिए उसके लिए ही ये सारी कमिटीज काम करती हैं उनके रिपोर्ट्स आते हैं वो रिपोर्ट्स वेरी करते हैं मंडल कमीशन ने कुछ और रिपोर्ट दिया कालेकर ने कुछ और रिपोर्ट दिया अंत में सरकार फिर कुछ उसको और इम्प्लीमेंट करती है तो इस तरीके से चीजें चलती हैं ओके न्यूज़ है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या किसी को इस बारे में मालूम है फॉरेस्ट रिसोर्स कोई कोई बिलोंग करते हैं ऐसे किसी रीजन से जहां पर उनको एग्जैक्टली exactly ये दिखता हो कि हाँ राइट्स मिले हुए हैं वो काम कर रहे हो इसके लिए <coughs> कुछ क्लियर है देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट वन का जो एरिया है उस उसको किसको सौंपा जाए कि उनको हाईली प्रोटेक्शन मिल पाए है ना एक तो है कि आप उसको सरकार को दे दीजिए लेकिन सरकार जो है उनके पास तो बहुत सारे और काम है तो क्या वो पूरे अच्छे तरीके से उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर पाएंगे उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे हो सकता है करें और हो सकता है ना भी कर पाए इसीलिए इस फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है वहाँ के संसाधन को जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है अगर वहाँ के कम्युनिटी को दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो कम्युनिटी वो समुदाय उसको प्रोटेक्ट कर लेगी क्यों बिकॉज वो तो वहां पे रहती है वो उसका पार्ट है तो इसीलिए ग्राम सभा को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है इसके बारे में भी हम और बात करेंगे तो अचा, अचानक अमरकंटक ये आपका एक टाइगर रिजर्व है ये सेकेंड टाइगर रिजर्व हो गया है इन छत्तीसगढ़ टू गेट सी एफ आर आर ये डेजिग्नेशन पाने वाला दूसरा टाइगर रिजर्व बन चुका है अचानक मर अमरकंटक ये है छत्तीसगढ़ में ठीक है और पहले कौन था छत्तीसगढ़ का ही मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में एक जो टाइगर रिजर्व था उसको मिला था ठीक है अब आइए इसमें थोड़ा सा हम फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में बात करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को कौन मैनेज करता है कौन देखता है तो इसके लिए जो भी जिम्मेदारी है वहाँ के लोकल लोगों को कॉमन लोगों को दी जाती है उन्हीं के पास राइट्स होते हैं कि वहाँ के संसाधनों को एक्सेस कर पाए जो भी संसाधन उस जगह पे पाए जाते हैं उसको रखना प्रोटेक्ट करना किसको दिया जाना है वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है मैंने बताया ग्राम सभा की होती है और वहाँ के लोकल लोगों की होती है लोकल कम्युनिटीज की होती है इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्वेलर एक्ट टू थाउजेंड सिक्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इसमें मिनिस्ट्री सही हो सकता है देखिए ट्राइबल के लिए बात हो रही है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर्स के लिए बात हो रही है तो आपको लगेगा कि एनवायरमेंट भी होगा पंचायती राज भी हो सकता है रूरल डेवलपमेंट या ट्राइबल अफेयर्स तो आपके अकॉर्डिंगली जो राइट right आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगी या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी आंसर आपको कमेंट में बताना है राइट आंसर क्या होगा कांता ए आंसर नहीं होगा ए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व होगी ट्राइब ट्राइब का नाम सुनकर आपको लगेगा कि हो सकता है कि इसमें ट्राइबल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी थोड़ा सा ध्यान से सोचिए इसका आंसर क्या होगा बी और डी में आपको बताना है बी और डी में आपको क्या लगता है आंसर सही कौन सा है अगर न्यूज है परख परख जो यहाँ पे न्यूज़ है उसमें क्या चीज़ें हैं इसका अगर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए परख इनिशिएटिव को लाया गया है गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाए ना बोर्ड्स के एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी आ जाए कैसे एनसीआरटीज पढ़ना है कैसे पूरा सिलेबस जाएगा उसी के लिए परख को लॉन्च किया गया तो एजुकेशन से संबंधित है याद रखिएगा अभी जो नई पॉलिसी आपकी आई है 2020 वाली उसका पार्ट है ये परख तो परख एक इम्प्लीमेंटेश इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जो क्या करेगी 2020 के सारे कानूनों को एजुकेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो स्पॉन्सर्स प्रोजेक्ट है स्टार्स स्टार्स एक प्रोजेक्ट है याद रखिएगा एजुकेशन से संबंधित प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक सहायता कर रहा है पैसे दे रहा है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट ठीक है कि कैसे आप राज्यों में जो टीचिंग का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे अच्छा करेंगे उसके लिए स्टार्स प्रोजेक्ट है जिसमें की कि किसने मदद किया है वर्ल्ड बैंक ने और उसी का एक पार्ट है परख आई होप क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आज का इतना ही करेंगे थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं कल डिस्कशन में और अभी मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसको दोबारा से देखना हो वो अपलोडेड वाला वीडियो देख लेंगे ठीक है आज का इतना ही थैंक यू सो मच कीप स्टारिंग